नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपनी छत पे हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह का एनवायरनमेंट है। थोड़ा रेनी सीजन है, चारों तरफ अब हरियाली है और पेड़ भी देख रहे हैं हम लगाए हैं, चारों तरफ पेड़ भी हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ समय ने गवाते हुए एक न्यू फंड ऑफर की, जिसका नाम है HDFC लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड। तो क्या है ये फंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, जो थीम है, ए थीम विच ड्राइव्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये फ्यूचर इंडिया का है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, विथ ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग 49% ऑफ इंडियाज मैनुफैक्चरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 49% ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विथ ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग 49% ऑफ इंडियाज मैनुफैक्चरिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो है 49% कंट्रीब्यूट करता है। फर्दर द गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन दिस सेक्टर बाय एलोकेशन इन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जिसको बोलते हैं हम लोग स्कीम एंड टारगेट टू इंक्रीज द ऑटो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन टू GDP मेक्स द स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। द लॉजिस्टिक सेक्टर ऑल्सो ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट्स गिविन द गवर्नमेंट एफर्ट टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट विथ अनाउंसमेंट ऑफ वेरियस पॉलिसीज लाइक PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट चाहती है कि लॉजिस्टिक सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अच्छा काम हो, अच्छा लोग आए और यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हो। 49% GDP का ये अपना कंट्रीब्यूशन करती है। अब इस सेक्टर का अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है या फंड्स नहीं है तो आपका ग्रोथ आपका पोर्टफोलियो पे रुक सकता है। इंटरेस्टिंगली इवन विद द ऑटो इंडस्ट्री डिफरेंट सब सेगमेंट हैव शोन डाइवर्जेंट ग्रोथ ट्रेंड प्रेजेंटिंग एम्पल डाइवर्सिफिकेशन इवन विद इन द सेम इंडस्ट्री। द बिलो ग्राफ शोज द अर्ली ग्रोथ रेट्स ऑफ वेरियस सेगमेंट्स विद इन द ऑटो इंडस्ट्री। वाइल ग्रोथ इन टू व्हीलर्स हैज बीन मोर स्ट्रक्चरल इन नेचर, ग्रोथ इन ट्रैक्टर्स एंड CV इज मोर साइक्लिकल लिंक टू द ग्रोथ इन रूरल इकोनॉमी एंड कैपेक्स ग्रोथ रिस्पेक्टिवली। तो टू व्हीलर का डिमांड बढ़ रहा है, फोर व्हीलर का डिमांड बढ़ रहा है और कमर्शियल व्हीकल्स का भी डिमांड बढ़ रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद डाइवर्जेंट ग्रोथ across sub segment this theme provides diversification benefit to the investors. Given the government targets to bring down the logistic cost in line with global players coupled with high unorganized market share, the logistic theme offers a multi-decade growth opportunity. To isme bahut opportunity hai, multi-decade growth opportunity hai. HDFC Transportation and Logistics Funds, which invest at least 80% of its net asset value, net asset in equity, 80% equity में रहेगा, an equity or related instrument of transportation and logistic theme companies, जो transportation और logistic theme company में इसका investment होगा, presents a viable investment avenue for investor looking to invest in this space. तो इस space में जो invest करेंगे उसे अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेन बात क्या समझ में आ रही है कि 49% जो GDP का है ये हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो 49% को ग्रोथ को 49% जो ग्रोथ हो रहा है उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लस जो रूरल इकोनॉमी में डिमांड है, टू व्हीलर में डिमांड है, कमर्शियल व्हीकल्स में डिमांड्स हैं और ऑटो सेक्टर्स में जो डिमांड्स हैं, इसको भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते।
तो अगर आप इसका शेयर नहीं रख सकते हैं, आप अगर ट्रांसपोर्टेशन का शेयर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास लॉजिस्टिक का शेयर नहीं है, और इतना पॉसिबल भी नहीं है कि सब शेयर को लिया जाए, तब आपको फंड्स में जाना होगा। और इसके फंड्स का नाम है HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स। इसके पीयर्स की बात करें तो UTI का है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड्स, ICICI का भी है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, उसका भी रिटर्न आप चेकआउट कर सकते हैं जो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर जरूर करें, फेसबुक पे देख फॉलो करें, इंस्टा पे देख फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।